गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई होप यू आर ऑल फाइन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल सो चिल्ड्रेन लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर टेक्स्ट पेंट एंड पेज नंबर थर्टी एट ओके तो आज हम यहां से स्टार्ट करेंगे ओपन अ न्यू पिक्चर विद अंडर वाटर व्यू फाइंड एंड पेस्ट वाटर एनिमल्स इन योर पिक्चर हाय आई एम टैक्सी लेट मी टेल यू मोर अबाउट द न्यू कमांड तो आज हम न्यू कमांड के बारे में जानेंगे कि हमें न्यू कमांड का क्या यूज है तो आई रीड न्यू अलाउज यू टू पिक अ पिक्चर टू स्टार्ट अ न्यूंग विध अप एंड डाउन एरो आफ्टर सेलेक्टिंग दी पिक्चर यू वॉन्ट एज अ बैकग्राउंड क्लिक ऑन ओपन न्यू न्यू का क्या मतलब होता है कुछ नया डिफरेंट है ना अगर हमें कुछ नया लेना है दूसरा न्यू पेज लेना है तो हम क्या करेंगे न्यू की बटन को क्लिक करेंगे हम न्यू की बटन को क्लिक करने के बाद हमारी जो अप एंड डाउन की जो बटन होती है उससे हम आपकी स्क्रीन पे देखो आपकी बुक में कि आपको अप एंड डाउन का एरो लगे हुए हैं ना बने हुए हैं इनकी हेल्प से आप यहाँ पे जो न्यू पिक्चर्स न्यू बैकग्राउंड हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो अपनी किसी भी ड्राइंग के लिए ठीक है और वो आपका कहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा वो जहां पे आपको ड्राइंग करनी है वहां पे एज अ बैकग्राउंड आपका वो जो है वो ओपन हो जाएगा आप जब उसको क्लिक ओपन करोगे ठीक है यू कैन एड पिक्चर्स ऑन योर ड्राइंग यूजिंग टूल और आप स्टैम्प टूल की हेल्प से क्या कर सकते हो अपनी जो ड्राइंग है ड्राइंग में पिक्चर्स uh, को ऐड कर सकते हो ओके स्टेम्प टूल दिस टूल इज इज अ कलेक्शन ऑफ स्पेशल स्टैम्प और स्टिकर्स दैट कैन बी पेड ऑन ड्रॉइंग टूल का जो ये एक ऐसा कलेक्शन है यहां से आप क्या कर सकते हो स्पेशल स्टैम्प आप यूज कर सकते हो स्टिकर्स यूज कर सकते हो ले सकते हो और उसको पेस्ट कर सकते हो अपनी ड्रॉइंग में दीज आर प्री ड्रॉन इमेज इमेजेस लाइक अ पिक्चर ऑफ अर्स अ ट्री और a नून और सॉरी मून विथ साउंड इफेक्ट्स एंड डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे जो स्टैम्प्स में आपके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स आप अपनी बुक में देख सकते हो ठीक है कि यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स अवेलेबल हैं जैसे कि हॉर्स की ट्री की मून की और इसके साथ में आप इसमें साउंड इफेक्ट्स भी अपनी क्लिप में यूज कर सकते हो हाउ टू यूज द स्टैम्प टूल सेलेक्ट द स्टैम्प टूल गिवेन ऑन द राइट साइड राइट साइड में आपके स्टैम्प टूल का ऑप्शन है जहां पे टूल्स लिखा हुआ है चूज अ स्टैम्प फ्रॉम द कैटेगरीज ऑन द राइट साइड उसके बाद में आपको स्टैम्प्स से चूज करने हैं जहां पे स्टैम्प मैम ने आपको बताया स्टैम्प्स लिखा हुआ है आपका वहां से आपको राइट right साइड से आप अपनी स्टैम्प्स चूज कर सकते हो ठीक है पेस्ट योर ड्रॉइंग इन द ड्रॉइंग कैनवास उसके बाद में आप उसको वहां से पिक करके पेस्ट कर सकते हो अपनी ड्रॉइंग में ठीक है अपनी ड्रॉइंग एरिया पे जिसे हम कैनवास बोलते हैं अब यहाँ पे आप देखो आपकी बुक में यहाँ पे एक प्रोसेस बना हुआ है सेलेक्ट चूज एंड पेस्ट ओके एज माउस पॉइंटर मूव्स ऑन कैनवास एज आउटलाइन फॉलो स्टैम्प विल बी प्लेस्ड ठीक है आप अपने माउस का जो पॉइंटर है उससे आप एक आउटलाइन के जरिए आप क्या कर सकते हो आप अपने स्टैम्प को प्लेस कर सकते हो जहां भी आप चाहो ओके okay? नेक्स्ट पेज फाइंड है, आप जब को ओपन करोगे और उसमें को देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वहां पे डिफरेंट डिफरेंट कौन सी कैटेगरीज आपके स्टैम्प्स में अवेलेबल हैं तो आप उनको क्या कर सकते हो आउट कर सकते हो ठीक है जो नहीं मिले हैं उनको क्रॉस कर सकते हो जो मिल गए हैं उन्हें आप टिक कर सकते हो ओके okay? वो क्या यूज है उनका ऑब्जर्व दट है ड्रॉइंग ऑन दीन ठीक है उसके बाद में नीचे उसी से रिलेटेड मैचिंग है बेटा जो आप यहाँ पे बटन्स आप यूज करके देखोगे उन्ही से रिलेटेड यहाँ पे मैचिंग है टू लुक थ्रो दी कलेक्शंस टू मेक मिरर इलीग और स्मॉल ठीक है आप ये अपने अकॉर्डिंग ट्राई करने की कोशिश करना ठीक है अगर नहीं हो पाएगा तो मैम आपको ये जो इसका करेक्ट आंसर है वो मैम आपको बताएंगी और मैम इसकी आपको जो है वो जूम क्लास पे इसकी प्रैक्टिस करवाएंगी या फिर मैं आपको टेक्स पेंट की आपको वीडियो जो है वो अवेलेबल करूंगी आपको बना के भेजूंगी रिलेटेड टू योर टूल्स ठीक है सो उससे आपको क्या होगा रिलेटेड आपके, uh, uh, तो आपके सारे टूल्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी क्लियर हो जाएगी ओके यू कैन चेंज कलर्स ऑफ अ फ्यू स्टैम्प फाइंड आउट विच स्टैम्स एक्टिवेट कलर प्लेट देन चेंज कलर ठीक है ये आपको पता है कि आपको कलर uh, प्लेट से आप अपने कलर्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं ठीक है आई एक्ट यूज टूल टू पेस्ट वट एवर इमेज इज यू वॉन्ट ऑन कैनवास आप स्टेम्प टूल से पेस्ट कर सकते हो जो भी इमेज आप अपने कैनवास में यूज करना चाहते हो पेस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स एंड प्लांट्स ऑन कैनवास और डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स और आप प्लांट्स भी ला सकते हो अपनी कैनवास के अंदर ठीक है प्रैक्टिस एट होम क्रिएट अ इन यूजिंग स्टैम्प टूल स्टैम्प टूल को यूज करके आप एक सीनरी क्रिएट करके देख सकते हो ओके प्रैक्टिस एट होम यहाँ पे है ठीक है नेक्स्ट आई एक्सप्लोर डू यू वांट टू सी मैजिक हैपन विद ड्राइंग्स दैट यू मेड इन टेक्स पेंट आपने जब आप ये सारी चीज़ें करके करोगे ट्राई करोगे तब आपको जो एक मैजिक है क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आपको एग्जैक्टली exactly जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा ओके आई एक्सप्लोर इन टेक्स पेंट क्लिक ऑन द मैजिक टूल एंड ऐड मैजिक टू योर ड्राॅइंग्स आप मैजिक टूल का यूज करके अपनी ड्रॉइंग में मैजिक देख सकते हो कि क्या क्या मैजिक टूल का यूज करके आप क्या क्या डिफरेंट इसमें क्रिएट कर सकते हो ओके okay? तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि हाउ टू यूज मैजिक टूल दिस टूल इज अ स्पेशल इफेक्ट्स टूल ये जो टूल होता है वो किस लिए हम यूज करते हैं स्पेशल इफेक्ट्स देने के लिए दीज आर इमेजेस विथ साउंड इफेक्ट्स एंड डिस्क्रिप्शन ये जो आपकी इमेज है आप इसमें विथ साउंड इफेक्ट साउंड इफेक्ट्स भी आप यूज कर सकते हो ठीक है सम टूल्स अलाउ यू टू क्रिएट डिफरेंट ऑब्जेक्ट सच एज ग्रास फ्लावर एंड रेनबो आप ग्रास फ्लावर्स रेनबो ये सारी चीजें जो हैं वो क्या कर सकते हो मैजिक टूल से बना सकते हो अदर मैजिक टूल्स सच एज ब्लर शार्पन एंड स्मज अलाउ यू टू एड इफेक्ट टू पिक्चर इसके अलावा और डिफरेंट यूजेस भी हैं इसके जैसे आप ब्लर यूज कर सकते हो शार्पन यूज कर सकते हो स्मज यूज कर सकते हो और मैजिक टूल का यूज करके ठीक है और अपनी ड्राइंग को ब्यूटीफुल बना सकते हैं नेक्स्ट पेज लुक एट पिक्चर गिवन बिलो ये पिक्चर आप देखो यहाँ पे क्या बना हुआ है ठीक है ऑब्जर्व स्पेशल इफेक्ट्स गिवन टू इट उसके बाद में फर्स्ट पिक्चर के बाद में सेकेंड पिक्चर आप देखो इसमें क्या है इसमें कुछ स्नो फ्लैग्स आपको दिख रहे हैं है ना कुछ व्हाइट व्हाइट स्नो से बनाई हुई है ना तो आप ये यूज कर सकते हो मैजिक टूल को यूज करके उसके बाद में मेक रिप्लेस अपेयर दूसरी वाली इमेज में देखो इसमें क्या हुआ इसमें नीचे से थोड़ा सा रिप्लेस करा है ना थोड़ा सा कह सकते हैं ड्राइंग को थोड़ा सा बिगाड़ा थोड़े से उसके कलर को स्मज किया राइट तो आप ये सारी यूजेस जो हैं वो आप मैजिक टूल का यूज करके यूज कर सकते हो हाउ टू यूज मैजिक टूल क्लिक ऑन मैजिक बटन अंडर मिलेगा ठीक है आप उसको क्लिक करोगे द right like. बार ऑन द राइट साइड विल शो बटन फॉर डिफरेंट मैजिक टूल्स चूज एनी वन दैट यू लाइक उसके बाद में मैजिक जो आपका राइट right साइड में है विंडो उसमें से मैजिक मैजिक में से आप जो भी इफेक्ट चूज करना चाहते हो जो भी टूल यूज करना चाहते हो आप यहाँ से पिक करोगे अप्लाई इफेक्ट उसके बाद में आप उसको अप्लाई कर दोगे डिस्क्रिप्शन ऑफ द टूल इज शोन एट बॉटम और जो भी डिस्क्रिप्शन आपने जो भी यूज किया है वो आपको कहाँ पे शो होगा आपके बॉटम में ठीक है पिक एट मैजिकल इफेक्ट टू यूज ऑन योर ड्रॉइंग ओके नेक्स्ट आई ऑब्जर्व लुक एट द फर्स्ट पिक्चर एंड ऑब्जर्व द स्पेशल इफेक्ट्स गिवन टू इट इन पिक्चर पिक्चर ठीक है अब फर्स्ट और सेकेंड पिक्चर में आप ऑब्जर्व करो कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कोई डिफरेंस आपको नजर आ रहा है है ना फर्स्ट वाली पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर है और सेकेंड वाली पिक्चर में जितनी भी चीजें हैं उनको थोड़ी थोड़ा क्या बनाया हुआ है स्मच किया है शेडो जैसा लग रहा है ना कि जैसे कुछ कुछ शेडोस ही बनाई है है ना स्मच कराए कलर्स को ठीक है तो फर्स्ट पिक्चर में आपके मैजिकल इफेक्ट्स टू यूज ऑन योर ड्रॉइंग मैजिकल इफेक्ट यूज करा है ठीक है दूसरे वाले में क्लिक क्लिक एंड मूव द माउस अराउंड टू द पिक्चर उसके बाद में सेकेंड वाली पिक्चर में क्या करा है माउस को घुमा के राउंड अराउंड मतलब आपके जो कलर्स हैं उसके दाएं बाएं उनके कलर्स को स्मच कराए ठीक है थीके?

ठीक है डार्क एंड सम पोर्शन ऑफ द पिक्चर आप अपनी इमेज के कुछ पोर्स को डार्क कर सकते हो गिव स्म इफेक्ट और आप इसमच इफेक्ट का भी यूज कर सकते हो ठीक है यहाँ पे थ्री पिक्चर्स दी हुई हैं आप देख सकते हो ठीक है फर्स्ट वाली पिक्चर में पिक अ मैजिकल इफेक्ट टू यूज ऑन योर ड्रॉइंग ठीक है यहाँ पे क्या करा है फर्स्ट पिक्चर में आपका मैजिकल इफेक्ट यूज करा है सेकंड पिक्चर में मैजिकल इफेक्ट यूज करा है लेकिन उसके साथ में क्या करा है थोड़ा सा इमेजेस लाइंस uh, को थोड़ा सा क्या करा है किया है, है ना उसके बाद में थर्ड वाली पिक्चर में क्या किया है कलर्स को थोड़ा सा जो आपकी एजेस हैं उनमें क्या कराए थोड़ा सा इनको स्मज कराए है, है ना इसमें लिखा हुआ है क्लिक टू मेक द पिक्चर वर्टिकली वेवी क्लिक टू फॉर दॉर्टर वेव्स बॉटम फॉर टॉलर वेफ्टेव एंड राइट फॉर लॉन्ग वेव्स ठीक है इसमें कलर्स की जो लाइन्स है आपकी उनको क्या करा है थोड़ा सा वेवी किया है, है ना वेव्स का इफेक्ट दिया है ओके तो ये सारे इफेक्ट जो मैजिक टूल्स के हैं ये आप यूज करके देख सकते हो अपनी ड्रॉइंग में ठीक है जिनके पास आ, है कंप्यूटर वो यूज करके देखें ट्राई करके देखें ठीक है जिनके पास नहीं है तो नो प्रॉब्लम मैम आपको इन सारे टूल्स की वीडियोस देंगी आपको बना के ठीक है ना और फॉर योर एफ ए फोर रिविजन आपके लिए मैम जो है वो जूम पे क्लास रखेंगी ठीक है तो मेक श्योर बेटा प्लीज आप सब लोग ज्वाइन करना क्लास को ताकि मैम आपको अच्छे से रिविजन करा पाए सबको एक साथ में ओके Thank you so much. Bye bye all.